और बच्चों पहला वर्ड है कैलोस, दूसरा कैंटाटा, तीसरा कैपिटलेट, चौथा कार्माइन, पांचवा कैस्केड, जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड 5000 वर्ड्स के लिए, इसमें से वो 200 वर्ड्स जिनसे 50% पेपर कवर हो जाता है, उसकी सीरीज की अब इस एपिसोड को हम करा रहे हैं बच्चों। अब हमें वर्ड मैच करने, आज जितनी भी मैं क्वेश्चंस डालूंगा इंशाल्लाह सारे आप लोगों ने करने, ठीक है जी, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम पहले वर्ड की, कैलोस, कैंटाटा, कैपिटलेट, कार्माइन, कास्केड। तो मेरे भाई इनमें से जो वर्ड है, यहाँ पे जब लोग आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज कर दीजिए और कोशिश करेंगे शायद आपसे कोई करेक्ट हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वीडियो देखें, याद करें और याद करने के बाद दोबारा देखें और इस जगह पे पॉज करें। आज ये मैं सॉल्व कराता हूँ। कैलोस का मतलब होता है अनफीलिंग, कभी तो होता है ना कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, अल्लाह माफ करे। देखें ये एक सिक्स सेंस होती है कि जब हालात अच्छे नहीं हो या खुदा नास्ता फैमिली में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो अनफीलिंग हो रहा होता है। मेरे भाई कैंटाटा स्टोरी सेट टू म्यूजिक बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे पुराने म्यूजिक होते हैं तो अब क्या कहते हैं कि उस म्यूजिक के पीछे कोई ये स्टोरी थी, उसने ये गजल गाई, जैसा कि एक तानसेन के जमाने में आए थे बिरजू बाबरा, उनके पीछे बहुत बड़ी, उनकी म्यूजिक के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी थी कि तानसेन के बॉडीगार्ड ने उनके बाप को धक्का दे दिया था और बिरजू बाबरा का बाप मर गया, तो बिरजू बाबरा ने तानसेन से बदला लेने की ठानी और एक दिन उसने तानसेन को हरा दिया। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर। कार्माइन रेड, रिच रेड का मतलब है लाल कलर में रिच हो जाना, यानी कि जैसा कि हम किसी मोहतरमा की बात करते हैं कि व्हेन नाजिया पुट ऑन लिपस्टिक ऑन हर लिप्स हर लिप्स बिकम कार्माइन, यानी एकदम क्या होगा रेड है जी, ये यही मीनिंग है इसके। तू दूसरा नाम को ले ले भाई। कास्केड बोले तो स्मॉल वाटरफॉल, कास्केड बोले तो स्मॉल वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल तो एक ऑब्शन लाइक दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है इंजन, बट उसकी बात नहीं हो रही, एक छोटे से ऑब्शन की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, कास्केड की, ठीक है जी। थैंक्स अ लॉट।